ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो उपाय आपके लिए हम लेकर आए हैं वो उपाय प्रदोष के दिन का उपाय है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया शिव महापुराण कथा का उपाय बताने वाले हैं, जिससे करके आप अपने जीवन में बहुत सारे दुख और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी मनोकामना भी पूरा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि जो उपाय हम बता रहे हैं इसको आप पूरा देखिएगा और इसे आप अवश्य करिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि ये प्रदोष के दिन का उपाय है, तो इस उपाय में आपको जो सामग्री लगेगी वह 7 बिल पत्र लगेगी। और इस उपाय को भी आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को करने से आपको आपकी प्रदोष व्रत का फल भी मिल जाएगा, भले ही आप प्रदोष व्रत ना करते हों। और इस उपाय को करने के लिए अगर आपको 7 बिल पत्र नहीं मिलती है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से ही 7 बेलपत्र को उठाकर उन्हें धोकर इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाइए। अगर आप अपने साथ में 7 बेलपत्र लेकर नहीं आए हैं तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से 7 बेलपत्र को उठा लीजिए, उन्हें धो लीजिए और उसके बाद आप अपने उपाय में उसे उपयोग करिए। अब आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर इन 7 बेलपत्र, इन्हें ब्रह्म कमल बनाना है। ब्रह्म कमल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन 7 बेलपत्री को एक साथ जमा कर लेना है। अब इन 7 बेलपत्री को एक साथ जमा कर आपको इनको गोल आकार दे देना है। मतलब जो इन 7 बेलपत्र की डंडी होगी वह बीचों बीच होगी और पत्तियाँ गोल आकार के रूप में होंगी। गोल आकार देने के लिए इन 7 बेलपत्र को एक दूसरे के साइड में खिसकाते हुए आप जाइए, जिससे कि यह बेलपत्री का एक गोलाकार ले लेगा। अब इन बेलपत्र को ब्रह्म कमल को अपनी दोनों हथेलियों से भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है आपको। और आपके मन में जो भी मनोकामना है वह भगवान शिव जी से आपको बोलना है। दोस्तों ये उपाय यहीं तक था और ये उपाय यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि इस उपाय के संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ इस उपाय को करिएगा, महादेव जी की कृपा आप पे अवश्य होगी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।